चार या पांच जन हैं जो बिल्कुल बिन बुलाए सब जगह जाते हैं। एक कोइंसिडेंस के तौर पर हम लोग एक गांव पहुंचते हैं जहां पर हम लोग बिन बुलाए हैं, और उस गांव में जो हादसाएं होते हैं, जो जो घटनाएं होते हैं, जो अत्याचार होता है, उस किस तरह से हम लोग उसे रेस्क्यू करते हैं, उसे सुधारते हैं, उसे बदलते हैं, उस तरह का ट्रैक है। लेकिन पूरी तरह से कॉमेडी है इसमें, एक एक आयोटा भी सीरियसनेस नहीं है इसमें। ये चार जन जो है, मैं, राजपाल, संजय मिश्रा, विजय राज, बहुत फनी है, एक दूसरे के बहुत करीब है, बहुत अच्छे दोस्त हैं। लेकिन बिन बुलाए बाराती इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लोग बिन बुलाए इस गांव में पहुंच जाते हैं। मेरे फैंस अक्सर जब मुझे एयरपोर्ट पर या किसी सोशल जगह पर मिलते थे तो कहते थे कि वो बैड मैन जैसा रोल अभी कौन सी फिल्म में आ रहा है। तो जब बिन बुलाए बाराती फिल्म मुझे डायरेक्टर चंद्रकांत ने ऑफर की और रोल सुनाया, और ये भी बताया कि फिल्म में जितने भी कलाकार हैं, हीरो, हीरोइंस, कॉमेडियंस, इन सब को के सामने हैं आप, इन सब के खिलाफ हैं आप, और इन सबको आपको पकड़ना है, आपको न्यूट्रलाइज करना है, आपसे लड़ना है। कैरेक्टर भी ख़तरनाक चाहिए था, एंड तो उसके बाद ये डिसाइड हुआ इन कंसल्टेशन विद द डायरेक्टर, एक वियर्ड इंटरेस्टिंग लुक बनाया जाए। नाम भी डायरेक्टर ने, क्या कहते हैं कि राइटर ने कुछ और नाम रखा था शूटिंग से कुछ समय पहले, उसने कहा कि मैं नाम चेंज करना चाहता हूँ, मैं आपके कैरेक्टर का नाम ब्लैक कोबरा रखना चाहता हूँ। और ब्लैक कोबरा, और पिक्चर में एक सर्टन डायलॉग भी है ब्लैक कोबरा को लेकर। तो चूंकि मनोरंजक फिल्म है और विलन भी लार्जर देन लाइफ, ओवर द टॉप, एंड एंड बाद में एंड में जाके एंटरटेनिंग भी हो जाता है, तो इसलिए ज़रूरी था कि इस प्रकार का इस फिल्म में लुक हो। ये ज़रूरी था कि जिस प्रकार से इस फिल्म में कम से कम ये 15 से ऊपर हीरो, हीरोइंस, कॉमेडियंस जो हैं, उन्हें अगर मेरे खिलाफ खड़ा होना है या मुझसे लड़ना है या मुझे पकड़ने की कोशिश करनी है, तो वो कैरेक्टर इंटरेस्टिंग भी हो, ख़तरनाक भी हो, और फिल्म चूंकि मनोरंजक है तो एंड में मनोरंजक भी हो।